I also personally thank Mr. Muktesh Pant, Mr. Muktesh and Ms. Vinita Pant Charitable Trust for giving a very generous donation to IIT Kanpur for setting up Shivani Center. हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशली जो लोग आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं उनके प्रमोशन के लिए हमने ये सेंटर खोला हुआ है. तो शिवानी का बेसिक नाम जो शिवानी सेंटर फॉर नर्चर एंड री इंटीग्रेशन ऑफ हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, यहाँ से कहें शिवानी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का संपोषण एवं समन्वय केंद्र. तो इससे जो हमको आगे डायरेक्शन मिलेगा, खासकर बच्चों को जो आई टी कानपुर में आते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उनको एक सॉफ्ट लैंडिंग हम प्रोवाइड करना चाहेंगे. इस सेंटर के बेसिकली तीन प्रॉन्ग्ड अप्रोच हैं. पहला तो उनको एक जो भी बच्चे आते हैं उनको सॉफ्ट लैंडिंग मिल जाए, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो एक अलग अलग जगहों से आते हैं और खासकर वो लोग जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं उनको एक मीडियम मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का. उसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे एक आइस ब्रेकर टाइप में मिल जाए उनको, जैसे कि वो कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें या कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह हों, बुक फेयर्स हों, इवन ऑथर रीडिंग इवेंट्स हों, उसमें एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने पर भी उनको काफ़ी सारा एक मीडियम मिलेगा जिससे कि वो बाकी लोगों से कनेक्ट कर सकें. और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी रहे. तो उस साइड में पहला तो है कि एकेडमिक्स में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे फैकल्टी मेम्बर्स को कि वो अपना जो कोर्स कंटेंट है उसमें एटलीस्ट एक समरी काइंड ऑफ स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में प्रोवाइड करें, तो उससे बच्चों को समझने में आसानी होगी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि बच्चों का स्टार्टिंग से मीडियम हिंदी रहा है, तो इस वजह से कई बार उनको इंग्लिश को ग्रास्प करने में दिक्कत पड़ती है. वो समझ पाते हैं बट कई बार जब इंस्ट्रक्टर इंग्लिश में बोल रहे थे तो कई बार उनको दिक्कत पड़ती है. और सेकेंड एस्पेक्ट रहेगा कि ये जब हिंदी में लोग कंटेंट मिले उसको आगे ले जाएं, तो स्टूडेंट्स भी हम लोग चाहेंगे स्टूडेंट जिम खाना वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हों. और सेकेंड एस्पेक्ट जो है कि अगेन टू प्रोवाइड अ वे कि जिससे वो बाकी अपने आई टी कानपुर को कनेक्ट कर सके, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कोई स्कॉलर रेसिडेंट्स आए, कोई वेल नोन फेसेस जो कि बहुत सारे जाने पहचाने लोग हैं आके अपना वर्कशॉप्स करें आई टी कानपुर में, तो उससे भी उनको एक बहुत प्रोत्साहन मिले कि इतने लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं. और थर्ड एस्पेक्ट जो है इसका एकेडमिक फ्रंट पे है कि डेफिनेटली कुछ कोर्स कंटेंट इसको हिंदी में समराइज करके वीकली बेसिस पे बच्चों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि वो लिंक कर सके जो जो इंग्लिश लेक्चर्स में अटेंड कर रहे हैं उनके साथ वो लिंक कर सके. और एक और बात जो है आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई सारी फर्म्स सॉफ्टवेयर फर्म्स वगैरह भी जो अपना रिसर्च करती हैं मेनली हिंदी फॉन्ट को लेके या ग्रामर को लेके या ट्रांसलेशन को लेके, तो वो एस्पेक्ट भी हम लोग वो एस्पेक्ट जो टेक्नोलॉजी का है जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं वो भी इसमें आ गया है. तो ये बेसिकली तीन चीज़ें हम लोग होप करेंगे कि शिवानी सेंटर लोगों तक बच्चों तक पहुंचा पाए, और उसमें हम लोग चाहेंगे सबका सहयोग भी मिले, जो चाहते हैं हेल्प और जो हेल्प कर सकते हैं हम चाहेंगे दोनों लोग इसमें इन्वॉल्व हों. और इसके लिए डेफिनेटली हम चाहेंगे पूरी आईटी कानपुर की कम्युनिटी इसमें सहयोग सहपाठी बन के हमारे साथ आगे चले. सो विद दिस आई थैंक अगेन मुक्तेश पंत एंड विनीता पंत चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द जनरस डोनेशन, और उनके साथ आई थिंक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सून हम चाहेंगे कि ये सेंटर अपने आप से सेल्फ रिलायंट हो जाए. थैंक यू.